अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के फेमस लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर वन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ब्रिटिश पीएम ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि 24 घंटों से वो सिम्टम्स फील कर रहे थे, टेस्ट करवाया तो कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, मगर वो घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट का काम करेंगे और इस वायरस से लड़ेंगे। नंबर टू, प्रिंस चार्ल्स। 71 साला प्रिंस चार्ल्स, जो क्वीन एलिजाबेथ टू के एल्डर सन हैं, इनके ऑफिस ने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स की वजह से इनका टेस्ट करवाया गया जो कि पॉजिटिव आया, लेकिन वो हेल्दी और फिट हैं और उन्होंने खुद को स्कॉटलैंड में सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, जबकि उनके वाइफ नेगेटिव हैं। नंबर थ्री पर, जिनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया, वो हैं सिंगर कानिका कपूर। इंडिया की पहली सेलिब्रिटी जो कोरोना की शिकार हुई, इन्होंने कहा कि वो खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रही हैं और अपने फैंस को पैगाम में कहा कि वो अपना ख्याल रखें। नंबर फोर पर, फ्लोरिडा के मारियो डियास ब्लाट हैं, जो कि यूएस कांग्रेस के सबसे पहले लॉ मेकर हैं, जो कोरोना का शिकार हुए। इनके ऑफिस ने बताया कि इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। नंबर फाइव पर है फेमस वेब सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स की स्टार इंदिरा वर्मा। उन्होंने बताया कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। नंबर सिक्स पर एनबीए स्टार केविन डुरेंट हैं, जो कि वर्ल्ड के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं। उन्होंने अपने एक पैगाम में बताया कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि उन्होंने वायरस के सिम्टम्स का नहीं बताया कि उन्हें है या नहीं है। नंबर सेवन पर हैं इड्रिस एल्बा, जो कि हॉलीवुड के फेमस फिल्म स्टार हैं। इनका भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उनको कोई सिम्टम्स फील नहीं हुए, लेकिन टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो पॉजिटिव हैं और अब वो खुद को सेल्फ आइसोलेट कर चुके हैं। नंबर एट पर हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स और फेट ऑफ फ्यूरियस के फेमस एक्टर क्रिस्टोफर हिवजो। इन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। नंबर नाइन पर हैं यूक्रेन में पैदा होने वाली एक्ट्रेस और मॉडल और जेम्स बॉन्ड सीरीज में काम करने वाली ओल्गा कुरिलेनको। इन्होंने बताया कि वो भी नोवल कोरोना वायरस की शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वो एक हफ्ते से बीमार थीं, टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो पॉजिटिव हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। नंबर टेन पर ऑस्ट्रेलिया के अफेयर मिनिस्टर पीटर डटन हैं। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। नंबर 11 पर हैं सोफी ट्रूडो, जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की वाइफ हैं। उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ठीक हैं और उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं हैं। स्पोक पर्सन के मुताबिक दोनों ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। नंबर 12 पर हैं इराज हरीरजी। ईरान के डेप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज हरीरजी ईरान में कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। नंबर 13 पर हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग सुपरस्टार रीटा विल्सन और उनके हस्बैंड हैं, दोनों कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म के प्रोजेक्ट पर थे। नंबर 14 पर यूके की हेल्थ मिनिस्टर डोरिस हैं, ब्रिटिश की सबसे पहली पॉलिटिशियन हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। नंबर 16 पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उन्होंने पहला टेस्ट 15 मार्च को करवाया था, जो कि नेगेटिव आया। 30 मार्च को दोबारा टेस्ट करवाने पर इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और इस पर इन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।